दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम ड्रीमलेंस टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वो है एक कलाकार के अंदर किन गुणों का होना जरूरी है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था और वह बात मेरे दिल को छू गई, वही आप सबको कहना चाहता हूं। दोस्तों, एक बड़ा कलाकार बनना अच्छा बात है, लेकिन एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छा इंसान बनना वो बड़ी बात है। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करके हमें अपनी सुझाव दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम भविष्य में आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का विषय। एक कलाकार बनने के लिए एक कलाकार के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला गुण होना चाहिए कला को समझने का दृष्टिकोण होना। एक कलाकार वही होता है जो अपने आस पड़ोस हर कहीं कला को देख सके और समझ सके। अगर वो नहीं समझ सकता तो उस कला का उसके लिए कोई मोल ही नहीं है। दोस्तों, कला को समझने का दृष्टिकोण ही एक कलाकार बनने के सफर का पहला कदम होता है, पहला चरण होता है। कि जब आप कला को समझ पाइएगा तभी आप कला के क्षेत्र में अपनी पहली कदम रखेंगे। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है उस कला को देखना और उसका सम्मान करना, ना कि सिर्फ उस कला का, उस कलाकार का भी सम्मान करना। जिसकी कला की आप प्रशंसा कर रहे हैं, दोस्तों जब आपको कला समझने का दृष्टिकोण आ जाता है तब आपको ये चुनना होता है कि आपको किस कला के क्षेत्र में जाना है, आपको किस क्षेत्र में कलाकार बनना है। हर रूप में कला है। ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा सिंगर एक अच्छा डांसर भी हो, एक अच्छा डांसर एक अच्छा एक्टर भी हो, जरूरी नहीं कि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर भी हो। हर किसी का अपना अपने जगह पे महत्व होता है। तो आपको ये चुनना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कौन सी कला अच्छी लगती है, आप किस कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पहला जो चरण आता है वो है उसके लिए अध्ययन करना। अध्ययन के बहुत सारे माध्यम हैं। अगर मैं किसी कला को सीखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ, उससे जुड़े पुस्तक खरीद कर पढ़ सकता हूँ, उससे जुड़े वीडियोस में यूट्यूब पे देख सकता हूँ, वहाँ से उसे सीख सकता हूँ। तो अध्ययन, पहले चुनाव फिर उसके लिए अध्ययन। उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण आता है वो है अपने कंफर्ट जोन को त्यागना। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन में रह के हम कुछ नया नहीं सीख सकते। जब तक हम पुरानी जिंदगी में रहते हैं उतना ही सीखते हैं जितना वहाँ तक सीखे हैं। जब हमें कुछ नया सीखना होता है, एक किताब में भी हमें एक नया कहानी पढ़ने के लिए पेज बदलना पड़ता है, पन्ना को उलटना पड़ता है, पेज उस पेज से हमें निकलना पड़ता है, तब हम एक नई कहानी पढ़ते हैं। तो सबसे जरूरी, जो तीसरी जरूरी चीज़ होती है वो है अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना। कम्फर्ट जोन से बाहर किस लिए आना, ये भी जरूरी है। आपने अध्ययन कर लिया, रेगुलर समय से कुछ समय अध्ययन के लिए निकाल लिया, लेकिन वह अध्ययन तब तक पूरा नहीं है जब आप खुद उस विषय में अभ्यास नहीं करें, उस अध्ययन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ना लाए। आपने पढ़ लिया कि कैमरा में ये शटर स्पीड होता है, ये ISO होता है, ये अपर्चर होता है, आप दिमागी तौर पर सब जानते हैं, लेकिन आप तब तक फोटोग्राफी नहीं कर सकते जब तक कैमरा आपके हाथ में ना आए और आप अपने हाथों से उस ISO शटर स्पीड अपर्चर को चेंज ना कर एक तस्वीर खींचे। तो अध्ययन ही सब कुछ नहीं है। अध्ययन के बाद का चरण है वो है अभ्यास।
तो ये तो मैंने सिर्फ फोटोग्राफी को लेके कहा, कोई अच्छी पेंटिंग करता है तो हम सबको पता है कि कलर कैसे आता है, कैनवस क्या होता है, लेकिन असली अभ्यास तो तब शुरू होता है जब आप ब्रश को हाथ में लेते हैं और कैनवस पे घुमाना चालू करते हैं, या एक गिटार को लेते हैं और उसे बजाना चालू करते हैं। हम सब जानते हैं बांसुरी में फूंक भरने से बांसुरी बजती है, लेकिन वह सुर कैसे आता है उसका अध्ययन करना होता है, उसे अभ्यास करना होता है। वह अभ्यास के बाद ही वह निपुणता आती है। अभ्यास से ही हम निपुण होते हैं, शायद इसीलिए अंग्रेजी में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, जब आप किसी चीज में व्यस्त हो जाते हैं, किसी चीज को सीखने में, तो आपकी हरकतें पहले जैसे नहीं होती और लोग बातें बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इसकी बिल्कुल ही परवाह ना करें। आप क्या कर रहे हैं बस उस पे फोकस करें और अपने अध्ययन और अभ्यास में लगे रहें। हर आर्टिस्ट के ज़िंदगी में एक दौर आता है कि जब उसके परिवार वाला ही उस पे सवाल उठाते हैं, तो उन सवालों का भी आप अपनी मेहनत से जवाब दें कि कल को जब आप सफल हो जाएंगे तो उन सवालों का जवाब उनको खुद ही मिल जाएगा, उन सभी को। क्योंकि हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं इस दौर से कभी ना कभी गुजरा होता है। दोस्तों, अब आपने अध्ययन कर लिया, अभ्यास कर लिया, आपके अंदर कला की समझ आ गई, तो क्या समझ हो जाना भर काफी है? नहीं, आपके दिमाग में जो एक इमेज बना, चाहे वो आप एज अ सिंगर सोच रहे हो, एज अ डांसर सोच रहे हो, एज एन एक्टर, एज एन फोटोग्राफर, आप जो सोच रहे हैं उस इमेज को एक रूप दे, रूप दे और लोगों के सामने लाए, अपने आप को और अपनी उजागर किए गए कला को। दोस्तों, लेकिन अपनी कला को सामने लाने से पहले एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि आप जब उस चीज़ में स्वयं संतुष्ट हो कि हाँ, अब जैसा मैंने सोचा था ये ठीक वैसा है, तब उसे लोगों के सामने लाए। उसके बाद किसकी क्या राय है बिल्कुल भी ध्यान ना दे। आप अपनी राय देखें, आप के हिसाब से अगर वो चीज़ सही है तो सही है। हो सकता है जो आज उसे जज कर रहे हैं शायद उसकी समझ ना रखते हो। आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने काम पे यकीन होना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस संसार में पैसों के लिए काम करता है, लेकिन एक कलाकार सिर्फ पैसों के लिए नहीं, वो अपने सम्मान के लिए काम करता है, अपनी और अपने कला के सम्मान के लिए। वह उस सम्मान का ही भूखा होता है। उसे असली संतुष्टि उस सम्मान से ही मिलती है। दोस्तों, एक कलाकार के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है कभी भी पैसों के लिए या किसी वजह से अपने कला के स्तर को ना गिराना। किसी भी वजह से अपने जो स्तर आपने सेट किया है उसे ना गिरने दें, उसके आगे बढ़े, उसके और आगे बढ़े, पर उस स्तर को ना गिरने दें। माना जाता है कि एक कलाकार की अपनी ही एक दुनिया होती है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और ये जरूरी भी है। एक कलाकार एक क्रिएटर होता है। अगर हम बाहरी दुनिया में रहे तो हम वो क्रिएट नहीं कर सकते, हमें कुछ क्रिएशन के लिए उस गहराई तक जाना ही होता है। तो जब मैंने कहा कि अपनी एक दुनिया, वो उस दुनिया में क्या करता है, वो अध्ययन करता रहता है, अभ्यास करता है और निपुण होता चला जाता है। दोस्तों, ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं होता, सीखने का कोई अंत नहीं होता, कला का कोई अंत नहीं होता, वह हमेशा अपने स्तर को बदलता रहता है।
तो कभी अपने स्तर से संतुष्ट ना हो। दोस्तों, एक पंक्ति है जो मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ी थी, यूं तो वो कृष्ण प्रेम पे लिखी हुई है, पर मैं उसे कला से जोड़ पाता हूँ, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसका कला ही उसका भगवान है। वो पंक्ति कुछ ऐसी थी, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यो ज्यो बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इसका अर्थ है कि उस प्रेम में पड़े, कला के प्रेम, कृष्ण प्रेम, जब हम कला के प्रेम में होते हैं तो हम थोड़े से अटपटे ही होते हैं, हमारी चाल अटपटी होती है, हम क्या करते हैं वो लोगों को समझ नहीं आता, हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, उसकी चिंता भी नहीं करना चाहिए। ज्यो ज्यो हम अपने कला में डूबते चले जाते हैं, जितना हम उसमें घुसते चले जाते हैं, हम और निखरते चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने बीच में कहा था कि एक कलाकार रचनाकार होता है, क्रिएटर होता है, तो हमारा संतुष्ट ना होना भी जरूरी है। अगर हम कुछ बनाकर संतुष्ट हो गए तो बस हम वहीं तक रह जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ नया करते रहते हैं तो हम सही मायने में कलाकार होते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति कभी कुछ खाना पकाया, कोई एक खाना पकाया किसी एक तरह से, वो खाना बहुत अच्छा बना। अब वो व्यक्ति हर बार उस खाना को उसी तरह से अगर बनाए तो उसमें कुछ वो नया नहीं कर पाएगा, वो एक खाना बनाएगा, अच्छा खाना बनाएगा। जो अच्छा खाना बनाते हैं उसे कुक कहते हैं, लेकिन जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है कि चलो ये मसाला मैंने उस दिन पहले डाला था, आज बाद में डालता हूँ, उस दिन धीमी आंच पे पकाया था, आज कड़ी आंच पे पका कर देखता हूँ। दोस्तों, इसमें गलतियाँ होती है, लेकिन कभी ना कभी कुछ बहुत अच्छा निखर कर आता है। तो जो निखारता है, कुछ नया बनाता रहता है, वो शेफ कहलाता है, और जो एक रेसिपी को बहुत अच्छे से बनाता है हमेशा, वो एक कुक होता है। एक कैमरामैन और एक फोटोग्राफर के बीच एक अंतर होता है। हम कैमरा पकड़कर एक तस्वीर खींच सकते हैं कि ठीक है F4 लेंस है, F4 पे कैमरा रखे, शटर स्पीड 125, मेरा हाथ सेक नहीं करता, अच्छा ये ISO चाहिए, ठीक है फ्लैश मार, फोटो हो गया। लेकिन वो फोटो में कहानियाँ हो, लाइट से कोई खेल हो, इमोशन हो, ये एक फोटोग्राफर कहता है, उसकी तस्वीर एक कहानी कहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो DSLR और मिररलेस जैसी कैमरा बनती ही नहीं। क्यों? SLR से फोटो नहीं हो रहे थे? हो रहे थे, पर वो वहीं तक था जहाँ तक एक कैमरामैन को ज़रूरत था, जैसे आप लोग उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन ये एवोल्यूशन क्यों? क्योंकि जो आर्टिस्ट था उसके पीछे जो फोटोग्राफर था वो उससे संतुष्ट नहीं था, उसे कुछ नया चाहिए था। क्या पहले के ज़माने में लॉन्ग एक्सपोजर खींचा जाता था? नहीं। डबल एक्सपोजर था? नहीं। ये क्यों आया? किसी के विज़न में आया होगा कि मुझे ऐसा खींचना है, मेरा कैमरा ये साथ ही दे, इसमें ये चीज़ होना चाहिए। क्यों मैं 125 के शटर स्पीड में ही फ़ोटो खींचूं? क्यों मैं सड़क पे रुका हुआ एक गाड़ी खींचूं? क्यों ना मैं कैमरा सेंसर को खोल कर रख दूं कि देखते हैं 30 सेकंड में इस बीच क्या हलचल हुई थी, क्यों ना मैं वो खींचूं? दोस्तों, फोटोग्राफी का अर्थ है ड्राइंग विथ लाइट, किसी चीज़ को कैप्चर करना नहीं, ड्राइंग विथ लाइट, लाइट के साथ पेंटिंग करना, रंगों के साथ खेलना। हमारे हम जो पोर्ट्रेट खींचते हैं वो भी रंगों का खेल है, कैमरा को थोड़ी ना पता कि स्किन कलर क्या है, वो तो रंगों को समझता है। एक कुक और एक शेफ के बीच एक अंतर है, कैमरामैन और एक फोटोग्राफर के बीच एक अंतर है, एक ठेकेदार और एक इंजीनियर के बीच अंतर है। सिंपल भाषा में कहूँ, लोग शायद इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, एक आम इंसान से एक कलाकार बनने का सफ़र आसान नहीं होता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको स्वयं अभ्यास करना होता है, स्वयं अध्ययन करना होता है, स्वयं सारी परेशानियों को, सारी समस्याओं को फेस करके आगे बढ़ना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक महान अभिनेता का
बच्चा महान अभिनेता ही होता, एक महान सिंगर का बेटा महान सिंगर ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कला हर बाउंड्री के बाहर है, हर नियमों को तोड़ता है कला। दोस्तों, ये तो हुए एक कलाकार बनने तक का सफर। तो क्या कलाकार बनने के बाद चीज खत्म? नहीं, आपको अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखना होता है। दोस्तों, सिर्फ एक कलाकार, अच्छा कलाकार बनना बड़ा बात नहीं है, एक अच्छा इंसान भी होना उतना ही जरूरी है, तभी आपकी और आपके कला की लोग सम्मान करेंगे। सिर्फ एक आर्टिस्ट काफी नहीं है अगर आप एक अच्छा व्यक्ति नहीं है तो। आपका वो आर्ट किस काम का अगर आप लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं? तुच्छ है वो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये सपोर्ट ही हमें उत्साह देता है आप लोगों के बीच और वीडियोस लाने का। और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अगर YouTube पे जाती है तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।